प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के एक ऐसे नायक रहे हैं जिनको जनजाति लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासी के हित के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने तब के ब्रिटिश शासन से भी लोहा लिया था। उनके योगदान के चलते ही उनकी तस्वीर भारतीय संसद के संग्रहालय में लगी हुई है। ये सम्मान जनजातीय समुदाय में केवल बिरसा मुंडा को ही अब तक मिल सका है। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। उनके जन्म के साल और तिथि को लेकर अलग अलग जानकारी उपलब्ध है, लेकिन कई जगह पर उनकी जन्म तिथि 15 नवंबर 1875 का उल्लेख है। हालांकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे कुमार सुरेश सिंह ने बिरसा मुंडा पर एक शोध आधारित पुस्तक लिखी थी, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। कुमार सुरेश सिंह छोटा नागपुर के कमिश्नर रहे हैं और उन्होंने आदिवासी समाज का विस्तृत अध्ययन किया था। उनको गुजरे 15 साल होने को हैं, लेकिन बिरसा मुंडा पर उनकी किताब प्रमाणिक किताबों में गिनी जाती है। इस किताब के मुताबिक बिरसा मुंडा का जन्म का साल 1872 है। इसके अलावा कई अन्य दिलचस्प जानकारियां इसमें मौजूद हैं। पुस्तक में कई स्रोतों के माध्यम से बताया गया है कि बिरसा मुंडा का परिवार ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुका था। धर्म परिवर्तन के बाद बिरसा का नाम दाऊद मुंडा और उनके पिता का नाम मसीहा दास हो गया था। किताब के मुताबिक बिरसा की छोटी मौसी जोनी उन्हें बहुत प्यार करती थी। अपनी शादी के बाद वह बिरसा को अपने साथ ही ससुराल खटंगा गांव ले गई थी। वहां ईसाई धर्म के एक प्रचारक से उनका संपर्क हुआ था। वह अपने प्रवचनों में मुंडवाओं को पुरानी व्यवस्था की आलोचना करते थे। ये बात उन्हें अखर गई। यही वजह थी कि मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद भी वो अपने आदिवासी तौर तरीकों की ओर लौट आए। लेकिन इन सब के बीच में उनके जीवन में एक अहम मोड़ आया जब 1894 में आदिवासियों को जमीन और वन संबंधी अधिकारियों की मांग को लेकर वो सरदार आंदोलन में शामिल हुए। तब उन्हें महसूस हुआ कि ना तो आदिवासी और ना ही ईसाई धर्म इस आंदोलन को तरजीह दे रही है। इसके बाद उन्होंने एक अलग धार्मिक पद्धति की व्याख्या की जिसे मानने वालों को आज बिरसाइत कहा जाता है। बिरसाइत धर्म का पालन करना बहुत ही कठिन है। इसमें मांस मदिरा खैनी बीड़ी किसी भी कीमत पर हाथ नहीं लगाते, बाजार का बना कुछ भी नहीं खाते, किसी दूसरे के घर का भी बना नहीं खाते, गुरुवार के दिन फूल पत्ती दातुन भी नहीं तोड़ते, यहाँ तक कि खेती के लिए हल भी नहीं चलाते। कपड़े में केवल सफेद रंग की सूती कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। किसी दूसरी जाति की लड़की अगर इनके यहाँ ब्याहती है तो उसे बिरसाइत का पालन करना ही होता है। लेकिन बिरसाइत धर्म का कोई लड़का अगर दूसरी जाति या धर्म में शादी करता है तो उसे सामाजिक मान्यता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ी वजह है जिसे इस धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत कम है। सन 1901 में बिरसा मुंडा का निधन हो गया था। उनके चलाए आंदोलन का प्रभाव आज तक देश भर के तमाम आदिवासियों पर है, लेकिन उनके द्वारा शुरू किए गए धर्म को मानने वाले बहुत ही कम लोग हैं। पर इसमें भी कई पंथ हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।